प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली सजा सिर्फ 29 दिनों की सुनवाई के बाद 20 साल की कैद। अलीगढ़ में विशेष पॉक्सको अदालत ने सुनाया फैसला। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई गई है। 19 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया था। दोषी युवक ने वीडियो भी इसका बनाया था। 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बकायदा उसका वीडियो बनाया गया था और ब्लैकमेल भी किया जा रहा था कि इस वीडियो को वायरल किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद तुरंत प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 21 सितंबर को आरोप तय हुए और ऐसे में अब न्याय मिल चुका है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत ये पहली सजा है। आपको बताते चले कि सिर्फ 29 दिन की सुनवाई के बाद 20 साल की कैद की सजा आरोपी को सुनाया गया है। अलीगढ़ में विशेष पॉक्सको अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और उसके बाद से लगातार सुनवाई हुई। 19 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोषी युवक ने बकायदा इसका वीडियो भी बनाया था। 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और अब सजा का ऐलान हो चुका है। 20 साल की सजा दी गई है। आपको बताते चले कि प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत ये पहली सजा सुनाई गई है। पॉक्सो के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है और उसके तहत 20 साल की कैद की सजा आरोपी को सुनाया गया है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से दुष्कर्म का पूरा मामला था जिस पर यह फैसला आया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया। दोषी युवक ने उसका वीडियो भी बनाया था और लंबे वक्त से ब्लैकमेल किया जा रहा था। 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और अब सजा का ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत ये पहली सजा सुनाई गई है। आप समझिए कि कितनी जल्दी न्याय मिला है। 29 दिन की सुनवाई हुई और 20 साल की यहाँ पर कैद की सजा सुनाई दी गई। और आपको बता दें चले कि अलीगढ़ में विशेष पॉक्सो अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और सभी इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। 29 दिन तक सुनवाई चली और ऐसे में ये बड़ा फैसला सुनाया।